सो आप ये जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो ब्लैक फोटो, और इसको मैंने एडिट करके कुछ इस तरीके का बना दिया है तो आपके सामने स्क्रीन पे। तो ये मुझे पहले लगा नहीं था कि एडिट हो गया इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसके बाद। तो एक टाइम मुझे लगा था ये सब में बेकार फोटो है मेरा, लेकिन मैंने एडिट करने के बाद जो इस पर रिजल्ट मिला ना, तो मेरे मतलब अब तक के मेरे सबसे बेस्ट फोटो इसमें से एक है ये फोटो, ठीक है। और फेस आप लोग चमक देख सकते हो इसमें, तो बहुत ही गजब की एडिटिंग है ये, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको एडिटिंग नहीं सिखाने वाला हूं, कि एडिटिंग की एक छोटी सी मेन ट्रिक बताऊंगा जो आपको हमेशा अपनी फोटोज एडिट करते टाइम काम आएगी, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, फेस वाइटिंग, ठीक है। मेन फेस वाइटिंग आपने बहुत सारे यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स देखे होंगे फेस वाइटिंग के, सब अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ वो अलग है, सब में से एक है और सब में बेस्ट है। आपकी जो अगर आप लाइटरूम में एडिट करते हो फेस, तो बैकग्राउंड में कलर होता है वो चेंज होता है अपने आप। फिर आप लोग अगर स्नैपशॉट में एडिट करते हो तो वो सिलेक्टिव टूल से, तो वो फेस में कुछ ज़्यादा ही शाइन मार देता है। तो आपको मिनिमम जो अपने फेस के ऊपर जैसे एडजस्टमेंट होता है, मेन फोकस होता है, वो बराबर किस तरीके से रखना है, तो आज की सीरीज में आपको बताने वाले पिक्सआर्ट के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ, जो कि आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं भी साथ आपको बताऊँ, ओके। तो आज की इस वीडियो में बन रही है, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। ऑल्सो अगर आपके चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना भाई, यार मेहनत करो आपके लिए तो सब्सक्राइब बनता ही और लाइक भी बनता है, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमने अपनी फ़ोटो को ओपन कर लिया है पिक्सआर्ट के अंदर। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, वो एक ही काम है और एक ही चीज़ है जिसके मदद से आप अपने फेस को वाइट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत से लोग बताते हैं ड्रॉ टूल में से किया जाता है, बहुत से लोग बताते हैं इफेक्ट में जाके, एडजस्ट में जाके, सैचुरेशन बढ़ा के वगैरह वगैरह, ब्राइटनेस बढ़ा के कर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं करना है। आपको मेन चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपके फेस में जितने भी जो है डार्क स्पॉट्स होते हैं या फिर डार्क एरिया होता है वो भी वाइट हो जाएगा, वो भी एक ही क्लिक में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी चीज़ के लिए, ओके। तो यहाँ पर टूल्स पे क्लिक करना है आपको। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको कर्व्स में भी नहीं जाना है, किसी में भी नहीं जाना है, सबसे पहले आपको एडजस्ट में जाना है, ठीक है। ये एक ही चीज़ है, तो आपको यहाँ पर से ब्राइटनेस को फुल कर देना है, मतलब आपको मिनिमम जितना आपको रखना है, फुल मत रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को हम लोग यहाँ पर से कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लैरिटी को बढ़ा सकते हो, क्लैरिटी से मतलब एक डार्क सा शेड आ जाएगा। तो यहाँ पर से मैं थोड़ी सेचुरेशन को थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ, ओके, ताकि जो है बैकग्राउंड के साथ में फोटो हमारा थोड़ा और भी क्लियर दिखे। अब यहाँ पर हाईलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पर शेडोज़ को थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद बताऊँगा फेस स्मूथिंग का ट्रिक, ओके, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ लेकिन इस बार भी बताऊँगा। अब यहाँ पर इरेजर पे जाएंगे और यहाँ पर इसको इन्वर्ट कर लेंगे। इन्वर्ट करने के बाद आपका जो स्किन का एरिया या फिर जो भी हेयर का एरिया आप जिसको वाइट करना चाहते हो, क्योंकि नॉर्मली इसको हम लोग वाइट करेंगे ना तो पूरा बैकग्राउंड के साथ में वाइट हो जाएगा, हमको वो चीज़ नहीं चाहिए, ओके, हमको सिर्फ अपना स्किन वाइट चाहिए। तो इस तरीके से करना आपको स्किन वाइट, यहाँ पर इन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर आपको अपने फोटोज़ के ऊपर इरेज करना शुरू कर देना स्किन का एरिया, ठीक है। अगर आपके हेयर में भी है ब्लैक पन तो आप स्किन सॉरी हटाना चाहते हो, ज़्यादा डार्क हो चुका आपका हेयर तो आप लोग इरेज कर सकते हो उसको, ओके। तो मैं यहाँ पर से इसको इस तरीके से कुछ इरेज कर लेता हूँ, तो आप भी अपने फोटोज़ को इरेज कर लेना, वीडियो देख के आप लोग सेम चीज़ कर लेना, ओके। तो यहाँ पर से बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करते हो तो इसमें आपका ही लॉस होने वाला है, क्योंकि मैं अभी बहुत चीज़ बताऊँगा ये चीज़ करने के बाद। मेन चीज़ जो है, ये तो मेन चीज़ था मैंने आपको बता दिया जिसके बारे में वीडियो है, लेकिन और एक चीज़ है जिसकी मदद से आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो, ओके। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ पर से पहले इरेज कर लेता हूँ, तो भाई हो जाए यार फटाफट से इरेज, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर से इसको थोड़ा सा बच्चा हम लोग थोड़ा सा फटाफट से इसको इरेज कर लेके इसको हटा देंगे। जो ब्लैक पेन है आपको सिर्फ मतलब जहाँ पर आपका जो है स्किन डार्क है एरिया, अगर आपको जहाँ पर नहीं चाहिए तो उसको आप लोग इस तरीके से रिमूव कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर से हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, देन इतना करने का हमारा स्किन देख सकते हैं आप लोग बहुत ही वाइट हो चुका है। अब आपको बिफोर एंड आफ्टर बताते हैं, बिफोर एंड आफ्टर तो बहुत ही गजब का लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, बहुत ही मस्त लग रहा है फोटो हमारा, अभी पहले से बेटर लग रहा है, ओके। अब बात करते हो स्मूथिंग की, अब क्या करना है, अभी आपको ब्यूटी टूल पे जाना है। ब्यूटी टूल पे जाने के बाद आपको हमेशा एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर स्मूथ पे क्लिक नहीं करना है, आपको स्मूथ पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपका फोटो HD है तो आपको फेस पिक का यूज़ करना है,
ठीक है। और फेस पिक से यूज़ करते हो आपके अपने फेस को स्मूथ कर लेना है कुछ इस तरीके से, खाली आपको अपने स्किन के ऊपर खाली हाथ को घुमाते रहना है जब तक तो उसको स्मूथ ना हो जाए। आपको फिक्स रखना है 30, ठीक है 30 रखना, आपको बढ़ाना नहीं है। और यहाँ पर से राइड करना है, अगर आपका फेस फिर भी स्मूथ नहीं होता है फिर आपको फेस पिक्स में क्लिक करना है, फिर आपको स्मूथ करना है। फिर भी अगर स्मूथ नहीं होता 2 से 3 से 4 बार जब तक आपका फेस ठीक से स्मूथ नहीं होता, अगर आपका फोटो एचडी है तो आपको ये प्रोसेस दोहराना है, तब जाके आपको फोटोशॉप का स्मूथ मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको इतना ही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिस बारे में मुझे जानकारी मैंने दे दिया, ठीक है। अगर आपका कोई भी मन में डाउट है या फिर कुछ सवाल है या फिर आपको कुछ चीज़ की वीडियो बनानी है तो मैं को कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज़ को पर वीडियो बनाऊँगा। और ये भी इस चीज़ के लिए भी कोई भाई ने मुझे कमेंट किया था कि फेस वाइट के ऊपर एक वीडियो बना के लाओ, ओके, तो मैं उसको ऊपर यही वीडियो बना के लाऊँ कोई कमेंट के ऊपर, तो आप भी कमेंट कीजिएगा अच्छा सा, तो मैं आपको जो कमेंट पढ़ के मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मेरे से जितना हो सकता। तो बस आज के वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करना भूलेगा, और अगर आपको चैनल बने हुए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।